हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 7th, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम त्रिभुज और उसके गुण, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है बच्चों। घर पर एक स्थिति पर विचार करें जहां आपको दीवार से एक पेंटिंग उतारनी है जो फर्श से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी जो दीवार है उसके ऊपर जो पेंटिंग है वो कितनी दूर पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। इसके लिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल करना है, और इसके लिए जो सीढ़ी इस्तेमाल की है वो कितने है, 10 मीटर की। सीढ़ी को दीवार के आधार से कितनी दूर पर रखना चाहिए, यानी सीढ़ी को यहाँ से कितनी दूरी पर, दीवार के पास से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। हम दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी पता लगाने के लिए पाइथागोरस गुण का उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो दीवार है और जो सीढ़ी है इसके बीच की जो दूरी है ये वाली, इसका पता लगाने के लिए हम किस गुण का प्रयोग करेंगे, हम पाइथागोरस गुण का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं पहले कि ये पाइथागोरस गुण क्या होता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण के बारे में जानकारी दी थी। तो जो ये पाइथागोरस गुण है ये समकोण त्रिभुज के बारे में है। समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक जो कोण होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा, अब ये जो भुजा है इसके विपरीत भुजा ये हो जाएगी ए बी सी। तो ये वाली जो भुजा है ये वाली, ठीक है, इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को कर्ण कहते हैं। क्लियर। तो पाइथागोरस गुण के अनुसार, पाइथागोरस गुण क्या कहता है कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये जो भुजा है, क्लियर, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने मान लीजिए सी का नाम दिया है, ये मान लीजिए हमने ए का नाम दिया है, और ये हमने बी का नाम दिया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी सी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के क्षेत्रफल का योग, अन्य दो भुजाएं यानी ए का वर्ग और प्लस बी का वर्ग, इसके हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। तो ये गुण जो है ये क्या कहलाता है, ये पाइथागोरस गुण कहलाता है। नोट दिया गया है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो जो समकोण त्रिभुज है इसकी सबसे लंबी भुजा क्या होती है, इसकी सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। जैसे अगर हम यहाँ से समझें, यहाँ पर ए जो दिया गया है, ठीक है, ए कितना है, ए 3 है, बी का मान जो दिया गया है वो 4 है, और सी का मान जो दिया गया है वो कितना है, वो यहाँ पर 5 है। अब अगर हम पाइथागोरस गुण यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, सी का वर्ग बराबर है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। अब यहाँ से देखें तो सी का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 × 5 कितना हो गया, 25 बराबर है ए का वर्ग, ए का मान 3 है तो 3 × 3 कितना हो गया, 9, और 4 × 4 कितना हो गया, 16। तो यानी 25 बराबर है 25। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज होगी वो कैसी है, वो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दोनों ही जो है मान क्या आ गए, बराबर आ गए। यानी कर्ण का जो वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ गया। तो इसीलिए ये जो पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस जो गुण है, ये किस पर अप्लाई होता है, हमेशा समकोण त्रिभुज जो होती है उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। आइए इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो ज्ञात कीजिए कि क्या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा या नहीं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है भुजा वो सबसे लंबी है, ठीक है, 5 सबसे लंबी है, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पर जो कर्ण होगा,
हमने क्या देखा, कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होगी, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कर्ण का वर्ग जो है वो क्या होगा, कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो कर्ण का वर्ग कितना हो गया 5, और 5 कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, अन्य वर्गों के भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो अन्य भुजा कौन सी है, 4 है और 3 है, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 हो गया, तो कितना आ गया 25 आ गया। अतः कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। अतः ये क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी यहाँ से पाइथागोरस गुण जो है वो यहाँ से अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, यह एक समकोण जो है त्रिभुज हो जाएगा। नोट दिया गया है, यदि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन अगर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं है, तो वह बच्चों समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पाइथागोरस गुण द्वारा शुरू में दी गई स्थिति का हल खोजें। तो शुरू में जो स्थिति दी गई थी यहाँ पे, इसके अंदर क्या है कि ये जो है, ये जो सीढ़ी लगी हुई है ये क्या है, ये कर्ण है, ठीक है, और ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, तो ये 10 मीटर क्या हो जाएगा, कर्ण है, 8 मीटर दिया गया है, और ये वाली हमें निकालनी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, तो इसमें हमने ये वाली भुजा 8 ली और ये वाली हमने 10 ली। अब देखिए यहाँ पर हमने इनको नाम दे लिया ए बी सी, ये हमने ए मान ली है, इसको हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय या गुण के अनुसार ए सी का स्क्वेयर, ये वाली जो भुजा है ए सी, ए सी का स्क्वेयर किसके बराबर होगा, ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस गुण के अनुसार है। अब यहाँ पर ए सी हमारे पास कितनी है, ए सी हमारे पास 10 है, ए बी हमें निकालनी है और बी सी हमें 8 गिवन है, तो 10 का जो वर्ग है वो 100 हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 8 का वर्ग जो है क्या हो जाएगा 64। उसके बाद देखिए आप इसको जो है हल कर लीजिए, 100 माइनस, ये प्लस का निशान है तो इस तरफ लेकर आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बराबर कितना आ गया 36, ए का जो है 36 का वर्ग हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो ए की यहाँ पर कितना मान आ गया 6 मीटर, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी यहाँ से, ये वाली जो दूरी है वो कितनी है 6 मीटर दूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाने के लिए माप लेने में उसकी सहायता करें। तो रीना को क्या करना है, रीना को क्या करना है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जो दी गई है पहले वैल्यूज, जो मान जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज बनाने के लिए ये जो है माप दिया गया है। सेकंड जो सिचुएशन है उसमें 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर, तो दोनों ही देखेंगे कि किस तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर दो जो है यहाँ पर सिचुएशन दी है, तो देखिए पहली में क्या है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर माप दिया गया है। अब यहाँ पर जो लंबी भुजा है वो कौन सी है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 क्या हो गया, 9 जो है यहाँ पर कर्ण होगा, तो 9 का स्क्वेयर किसके बराबर आना चाहिए, 9 का स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर और 8 के स्क्वेयर के बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो ये समकोण त्रिभुज होगी, ठीक है, नहीं आता है तो नहीं होगी। तो देखिए 9 को 9 से गुणा किया तो कितना हो गया 81, 6 6 36, 8 8 से गुणा करेंगे 64, तो ये 81 बराबर है यहाँ पे 100, तो देखिए बराबर नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं हो सकती। दूसरा देख लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लंबी भुजा कौन सी है, 10 है, तो ये क्या होगी, ये कर्ण होगा, 10 का स्क्वेयर किसके बराबर आना चाहिए, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, तो अब यहाँ से 100 बराबर है 100, तो ये जो है हमारा पॉसिबल है, तो ये क्या होगी, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है,
त्रिभुज एबीसी का कोण सी जो है वो क्या है, समकोण है। ये त्रिभुज एबीसी है, इसका कोण जो है ये समकोण है। यदि एसी ये 5 सेंटीमीटर है, एबी ये कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो हमें बीसी की लंबाई जो है वो निकालनी है। ये बिल्कुल सेम इसी तरह से है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है, कि दीवार से हमने दूरी तय की थी ना सीडी की, तो बिल्कुल सेम वही जो है क्वेश्चन है ये, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे एसी 5 है, एबी 13 है, सीबी जो है कितनी है, ए हमने मान ली है। तो एसी यहाँ पर देखिए, एबी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एबी का स्क्वायर बीसी और एसी के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस गुण के अनुसार। तो एबी का स्क्वायर बराबर है एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 169 हो जाएगा। 25 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से इसको हल करेंगे, 169 यहाँ पे 25 प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर है 144 जो है उत्तर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए के मान जो हमें निकलेगा अंडर रूट वह जो है 144 और ए बराबर है किसके इक्वल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से बेटा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर, यहाँ से पतंग की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर, और पतंग की दूरी जो है वो कितनी है 30 मीटर है, और पतंग की दूरी कितनी हो गई यहाँ से, वो हो गई 30 मीटर। तो आपको निकालना है पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई। तो ये वाली लंबाई जो है आपको यहाँ पर निकालनी है, यानी कर्ण जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस गुण के अनुसार क्या है कि एसी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है, इसके वर्ग के बराबर होगा। एसी का वर्ग 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, एसी का वर्ग बराबर है 900 आ गया, 30 का वर्ग 900 और 40 का वर्ग क्या है यहाँ पे इसको 1600 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, जोड़ देंगे 2500। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो एसी किसके बराबर आ गया बेटे, एसी जो है वो 50 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ठीक है। आप वर्गमूल को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। आई होप आपको बच्चों ये वर्कशीट क्लियर है, पाइथागोरस गुण जो है वो आपको समझ आ गया। यहाँ पर मेन पॉइंट यही है कि जो भी हमारे समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें सामने वाली ये जो भुजा होगी वो क्या होती है, वो कर्ण होती है, और ये भुजा जो है हमारी सबसे लंबी भुजा होगी, और इस भुजा का वर्ग जो है बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।